3. So students, today we teach lesson 3, imperative sentence. So students, what is meant by imperative sentence? A sentence that show a request, command. Commands means order or suggestion means advice. Such sentence is called an imperative sentence. इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या कमांड दे सकते हैं, किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, सजेशन या किसी को एडवाइस कर सकते हैं. किस सेंटेंस में हमें दिखेगा उस सेंटेंस को कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस. ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है. जो स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप. जब हमें कमांड दी जाती है, हम किसी को कमांड देते हैं, तो वर्ब सब्जेक्ट और फुल स्टॉप स्ट्रक्चर होता है. या किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वर्ब सब्जेक्ट देन प्लीज या काइंडली वर्ब ऐड करके लास्ट में हम फुल स्टॉप देते हैं, उसे कहते हैं रिक्वेस्ट सेंटेंस. तो जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसको लिखते वक्त जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है. बट हमें कमांड अगर पूछनी हो यानी जानना हो तो कमांड किसे दी है तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप एक स्ट्रक्चर दिखेगा. अगर किसी ने रिक्वेस्ट की होगी तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज या kindly words हमें लिखेंगे उस सेंटेंस में और लास्ट में फुल स्टॉप देखेगा, उसे कहते हैं रिक्वेस्ट. तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर. तो चलिए अभी हम डिटेल्स में जानकारी लेते हैं. So students, open your English grammar textbooks on page number 44. There are a third number lesson, imperative sentence. A sentence that show a request, commands, order or suggestion, advice, such a sentence is called an imperative sentence. ऐसा sentence जिसमें request, commands या suggestion की जाती है, उसे कहते हैं imperative sentence. It begins with a capital letter and ends with a full stop. तो वो जो sentence start होता है, first letter उसका capital होता है और last में full stop होता है, उसे कहते हैं imperative sentence. जिसमें हमें request दिखेगी, commands दिखेगी या किसी को suggestion दिया गया रहेगा, उसके बारे में जानकारी मिलेगी. तो चलिए देखते हैं sentence का structure किस तरह है. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. देयर इज नो नीड टू मेंशन यू एज इन अ सब्जेक्ट इन कमांड. कमांड में अगर हमें कमांड देनी हो, ठीक है, उसमें कमांड के बारे में दिया हो तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप ऐसा स्ट्रक्चर में दिखेगा. इसमें यू ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है एज अ सब्जेक्ट करके. नेक्स्ट है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस फुल स्टॉप. देयर इज नो नीड टू मेंशन यू एज अ सब्जेक्ट इन अ रिक्वेस्ट. यहाँ पे भी रिक्वेस्ट के लिए जब हमें रिक्वेस्ट करनी हो किसी को तो प्लीज की जगह पे हम काइंडली भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. तो उसका स्ट्रक्चर हमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस फुल स्टॉप ये स्ट्रक्चर देखेगा, उसे कहते उसमें रिक्वेस्ट की गई है. और यहाँ पे भी हमें यू ए एज अ सब्जेक्ट करके मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है. ओके, तो फिर से आप देख सकते हो कमांड जब हमें दिखेगी तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, या किसी को रिक्वेस्ट की हुई हो तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस फुल स्टॉप इस तरह से हमें स्ट्रक्चर दिखेगा. तो ये जो है यहाँ पे जो हमें दिया गया है सेंटेंस, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको नोटबुक में राइट डाउन करनी है. शुरुआत में सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको लिखना है, ये दो स्ट्रक्चर दिए गए दोनों लिखना है. देन यहाँ पे हमें नोट दी गई है. A command sentence can be changed into a request sentence by adding a request words like a please and kindly to. अगर हमें command sentence को change करना हो request sentence में तब हमें please या kindly ये दोनों words add करके उसे हम change कर सकते हैं. A request sentence and a command sentence can be changed into a suggestion sentence by adding suggestion or advice words. अगर हमें request sentence या command sentence को change करना हो suggestion sentence में तो हम जो है कि उसमें should या must ए वर्ड जो ऐड करके है चेंजेस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें हमें कमांड दिखेगी, रिक्वेस्ट या सजेशन दिया गया रहेगा, उसको हमें चेंज करते वक्त हम प्लीज या काइंडली इस्तेमाल करेंगे जब हमें रिक्वेस्ट सेंटेंस करना हो कमांड सेंटेंस का, या रिक्वेस्ट सेंटेंस या कमांड सेंटेंस का हमें सजेशन सेंटेंस में चेंज करना हो तो हम उसमें शुड या मस्ट ए वर्ड्स भी इस्तेमाल करेंगे. ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको नोटबुक में राइट डाउन करनी है. तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है इंपरेटिव सेंटेंस, ये जो सेंटेंस के बारे में मैंने अभी बताया है उससे आपको एक्सरसाइज दी गई है. तो ये वीडियो अच्छे से देखकर ये एक्सरसाइज जो है आपको किताब में भी सॉल्व करनी है, साथ में आपके नोटबुक में सॉल्व करके उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं. तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है राइट whether the following sentences are request sentence or a command sentence, follow the example. यहाँ पे लिखना है कि request sentence है या command sentence है. First है please come here, यहाँ पे देखिए please words आया यानी request sentence से यहाँ पे लिखा है. Next get out from here,
यहाँ पे हमें वर्ब दिख रहा है, ठीक है, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये हो गया कमांड सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट, स्टॉप मेकिंग नॉइज इन द क्लास. तो यहाँ पे आपको लिखना है कमांड सेंटेंस. ये क्या है? कमांड सेंटेंस है कि क्लास में शोर मत करो, वॉश द क्लोथ्स प्रॉपरली. ओके, तो यहाँ पे जो है हमें सजेस्ट किया गया है, तो यहाँ पे आपको लिखा है सजेशन सेंटेंसेस लिखना है. नेक्स्ट, क्लोज द विंडो प्लीज. ये जो है विंडोज बंद कर दो, यहाँ रिक्वेस्ट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंटेंसेस. सॉरी, नेक्स्ट, प्लीज ब्रिंग माई बुक टू स्कूल टुमारो. यहाँ पे प्लीज वर्ड दिख रहा है, यानी ये क्या है? रिक्वेस्ट सेंटेंस है, आपको लिखना है रिक्वेस्ट सेंटेंस. नेक्स्ट, ऑबे द एल्डर्स. यहाँ पे हमें सजेशन दिया गया है कि एल्डर्स जो भी हमें कमांड करेंगे उसका हमें पालन करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है सजेशन सेंटेंस. नेक्स्ट, कल्टिवेट गुड हैबिट. ओके, तो यहाँ पे आपको जो है लिखना है सजेशन सेंटेंस. नेक्स्ट, प्लीज बेयर ऑफ ए डॉग. सजेशन सेंटेंस यानी होता है यहाँ पे, मैंने कमांड ही, एक तरफ की कमांड ही समझो. प्लीज बियर ऑफ ए डॉग, यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वेस्ट सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट, लीव माई चेयर, कमांड सेंटेंस है, यहाँ पे आपको लिखना है कमांड सेंटेंस. नेक्स्ट, प्लीज होल्ड यूर बैग, रिक्वेस्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंटेंस लिखना है. डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स, यहाँ पे कमांड्स की गई है कि दीवार पे मत लिखो, यहाँ पे आपको लिखना है कमांड सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से राइट डाउन करना है. नेक्स्ट दिया गया है पेज नंबर 45 पे, सेकंड क्वेश्चन है, राइट रिक्वेस्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग कमांड सेंटेंस फॉलो द एग्जांपल. यहाँ पे हमें कमांड सेंटेंस दिया गया है, उसका रिक्वेस्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट है कम हियर क्विकली, तो हम प्लीज ऐड करेंगे प्लीज कम हियर क्विकली. ओके, हो गया रिक्वेस्ट सेंटेंस. अटेंड द क्लास ऑन ए टाइम, तो यहाँ पे हमें लिखना है प्लीज अटेंड द क्लास ऑन टाइम. यहाँ पे प्लीज अटेंड द क्लास ऑन टाइम लिखना है. नेक्स्ट है डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लीज डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट. ओके, प्लीज डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट. नेक्स्ट है डू नॉट टॉक इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लीज डू नॉट टॉक इन द क्लासरूम. नेक्स्ट है डू नॉट हर्ट द पुअर, यहाँ पे आपको लिखना है प्लीज डू नॉट पुट द सॉरी प्लीज डू नॉट हर्ट द पुअर. ओके, नेक्स्ट, कीप यूअर हाउस क्लीन एंड टाइडी, यहाँ पे आपको लिखना है काइंडली कीप यूअर हाउस क्लीन एंड टाइडी. नेक्स्ट, हेल्प यूअर फ्रेंड इन ट्रबल, यहाँ पे भी आपको लिखना है काइंडली हेल्प यूअर फ्रेंड इन ट्रबल. ओके, नेक्स्ट, लर्न दिस पोएम इन जस्ट नाउ, तो यहाँ पे आपको जो है लिखना है प्लीज लर्न दिस पोएम जस्ट नाउ. नेक्स्ट, डू नॉट टच माई एनी अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म पे जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिख रही है उसे टच नहीं करना है. यहाँ पे आपको लिखना है प्लीज डू नॉट टच एनी अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, राइट अ कमांड सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग रिक्वेस्ट सेंटेंस फॉलो द एग्जाम्पल. यहाँ पे हमें कमांड सेंटेंस लिखने हैं, यानी जहाँ पे हमें काइंडली और प्लीज वर्ड दिखेगा वो हमें रिमूव करना है स्टूडेंट्स. ओके, फर्स्ट है काइंडली क्लोज द विंडो, यहाँ पे काइंडली हमने रिमूव कर दिया क्योंकि रिक्वेस्ट सेंटेंस में आता है. जब हमें कमांड सेंटेंस बनाना हो तो काइंडली वर्ड्स हमें निकाल देना पड़ता है वहां से. देखिए क्लोज द विंडो यहाँ पे लिखा है. नेक्स्ट है प्लीज कम हियर, यहाँ प्लीज रिमूव करेंगे हम कम हियर. तो फर्स्ट देखिए प्लीज थ्रो द बॉल हियर, यहाँ पे प्लीज रिमूव करेंगे. डायरेक्ट आपको लिखना है थ्रो द बॉल हियर, तो टी कैपिटल लिखना है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, काइंडली इन्फॉर्म मी अबाउट द फ्लड, तो यहाँ पे जो है काइंडली रिमूव करना है इन्फॉर्म मी अबाउट द फ्लड, फ्लड के बारे में मुझे इन्फॉर्म करो. फ्लड यानी होता है पूर, महापूर. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आई जो है कैपिटल लिखना है आपको. कभी भी सेंटेंस जो असरेटिव सेंटेंस के सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो लेटेस्ट रहेगा वो कैपिटल लिखना है आपको, लास्ट जो सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप देना है. ये जो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट, प्लीज कॉल यूर ब्रदर, यहाँ पे प्लीज रिमूव करेंगे हम कॉल यूर ब्रदर, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, मदर लिखना है. ओके, फुल स्टॉप. नेक्स्ट, प्लीज वॉश माय क्लोथेस, यहाँ पे प्लीज रिमूव करेंगे हम वॉश माय क्लोथेस, लास्ट में फुल स्टॉप देना है. वॉश का डब्ल्यू कैपिटल लिखना है. नेक्स्ट, प्लीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे प्लीज रिमूव करेंगे हम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लास्ट में फुल स्टॉप देना है आपको. ओके, और जी कैपिटल लिखना है. नेक्स्ट, प्लीज चेक यूअर बैग, यहाँ पे चेक यूअर बैग्स हमें लिखना है कमांड सेंटेंस में. नेक्स्ट है Kindly send me a message, यहाँ kindly remove करेंगे हम, आंसर में लिखेंगे send me a message. ओके, नेक्स्ट, प्लीज गिव मी ए कॉल, तो यहाँ पे कमांड सेंटेंस होगा उसका गिव मी ए कॉल, लास्ट में फुल स्टॉप कैपिटल जी.
ओके प्लीज वॉटर द प्लांट्स एवरी डे, यहाँ प्लीज रिमूव कर देंगे हम कमांड सेंटेंस में वॉटर द प्लांट एवरी डे, लास्ट में फुल स्टॉप. नेक्स्ट प्लीज हेल्प मी टू कैच द बस, यहाँ पे लिखना है आपको हेल्प मी टू कैच द बस, लास्ट में फुल स्टॉप. ओके यहाँ पे प्लीज और काइंडली जो वर्ड्स हमें दिख रहे हैं शुरुआत में वो सभी आपको रिमूव करना है कमांड सेंटेंस बनाते वक्त, और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सजेस्टिव सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग ऑर्डर सेंटेंस, यहाँ पे हमें ऑर्डर सेंटेंस दी है तो उसके सजेस्टिव सेंटेंस लिखने हैं. यू विल नीड टू एड अ प्रोनाउन एज यू दे वी एज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे हमें सजेस्टिव सेंटेंस ऑर्डर सेंटेंस के सजेस्टिव सेंटेंस बनाने हैं. सजेस्टिव सेंटेंस में आपको यू दे वी ये प्रोनाउन करके इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, फॉलो करना है आपको. एग्जांपल है वेट हियर, यू शुड वेट हियर लिखना है आपको. नेक्स्ट डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, यहाँ वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स लिखा हुआ है, ठीक है. यू दे वी ये हमें सब्जेक्ट करके इस्तेमाल करना है. देन शुड या मस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे. ओके नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बनाएंगे. फर्स्ट कम टुमारो इन योर प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में लिखना है यू शुड कम टुमारो इन योर प्रॉपर यूनिफॉर्म. ओके नेक्स्ट डू नॉट प्ले विथ योर फ्रेंड टिल लेट एट नाइट, तुम्हारे फ्रेंड के साथ मत खेलो नहीं तो तुम्हें बहुत लेट हो जाएगा नाइट में. तो यहाँ पे आपको लिखना है यू शुड नॉट प्ले विथ योर फ्रेंड्स टिल एट द सॉरी टिल लेट एट नाइट, ऐसे लिखना है आंसर में. नेक्स्ट डू नॉट क्रॉस द रोड हरीडली, ओके तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टूडेंट्स वी शुड नॉट क्रॉस द रोड हरीडली. ओके नेक्स्ट रिस्पेक्ट यूअर एल्डर्स, ओके तो हमें यहाँ पे आंसर में लिखना है यू शुड रिस्पेक्ट यूअर एल्डर्स, लास्ट में फुल स्टॉप. नेक्स्ट डू नॉट टेक इटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर, किसी स्ट्रेंजर से हमें खाने वाली चीज नहीं लेनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है वी शुड नॉट टेक इटेबल फ्रॉम स्ट्रेंजर. ओके नेक्स्ट डू नॉट हेट एनीबडी, तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है वी शुड नॉट हेट एनीबडी. ओके हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए. ओपन यूर बुक टू रीड, तो यहाँ पे आपको लिखना है यू शुड ओपन यूर बुक टू रीड, तुम्हें किताब पढ़ने के लिए अभी वो किताब ओपन करनी चाहिए. प्लांट ट्रीज, तो यहाँ पे आपको लिखना है दे शुड प्लांट ग्रीन ट्रीज, उन्हें पेड़ लगाने चाहिए. ओके तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज जो मैंने अभी टीच की है तो अच्छे से अंडरस्टैंड करना है वीडियो देख के. देन उसके जो आंसर से आपको किताब में यानी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं, साथ में आपके इंग्लिश ग्रामर के नोटबुक में राइट डाउन करनी है. ओके देन यहाँ पे जो मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं उसके बारे में जानकारी दी है, साथ में सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया, ये सभी आपको नोटबुक में शुरुआत में लिखना है. नेक्स्ट जो है इसके एक्सरसाइज सॉल्व करके उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं जो आपको किताब में भी सॉल्व करनी है, साथ में आपके इंग्लिश ग्रामर के नोटबुक में भी सॉल्व करनी है. ओके स्टूडेंट्स तो आज हमने इम्परेटिव सेंटेंस उसके बारे में जानकारी ली है. नाउ आई एम स्टॉप हियर.